दोस्तों, मैं फराज मलिक एक बार फिर से कुछ खबरों के साथ हाजिर हूं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 4 बजे राष्ट्र को संबोधित किया था, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। इसके अलावा अनलॉक 2 की गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है, उसके बारे में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले बात करेंगे अनलॉक 2 की गाइडलाइंस के बारे में। मैंने आपको कल तकरीबन सारे रूल्स बता दिए थे जो भी गाइडलाइंस में आज आए हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया था कि शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे, यानी कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, रेल यात्रा शुरू नहीं होगी, इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद रहेंगी अनलॉक 2 में भी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि भाई, जो कोचिंग सेंटर वगैरह हैं और जो मदरसे हैं, क्या वो खुलेंगे अनलॉक 2 में? तो देखिए, जब तक के स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे तब तक कोई भी शैक्षिक संस्थान, चाहे वो मदरसे हों चाहे वो कोचिंग सेंटर हों, तब तक वो भी बंद रहेंगे। जिस दिन स्कूल और कॉलेज खुलने लगेंगे उस दिन से मदरसे और भी शैक्षिक संस्थान खुलने लगेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने यह कहा था कि अनलॉक 2 में मस्जिदों में और ज्यादा लोगों के जाने की इजाजत होगी। तो देखिए, अभी इस तरीके का कोई भी नियम लागू नहीं किया गया है। जो नियम पहले था, 5 लोग एक वक्त में धार्मिक स्थल में जा सकते हैं, वही अभी भी नियम जारी है। चलिए अब चलते हैं आज के प्रधानमंत्री जी के भाषण की तरफ। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब 4 बजे आए अपना भाषण देने। 16 मिनट का उन्होंने भाषण दिया। बहुत सारे लोगों को ये इंतजार था कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो चीन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चीन के ऊपर कोई बात नहीं की। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब ने मन की बात की थी, उस मन की बात में भी चीन का लफ्ज अपनी जुबान से नहीं निकाला था। हमने सोचा था हो सकता है कि आज चीन की बात हो, क्योंकि ये जो ऐप बैन किए हैं टिकटॉक और ये 59 ऐप जो बैन किए हैं, हो सकता है इस पर कुछ बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने दोबारा फिर चीन का कोई नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने कुछ अपनी उपलब्धियां गिनाई और कहा कि जिस तरीके से लोगों ने लॉकडाउन में नियमों का पालन किया था, इस तरीके से अनलॉक 1 में लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया है। उन्होंने एक देश की मिसाल दी कि उस देश के प्रधानमंत्री बिना मास्क लगाए चर्च चले गए थे तो उनके ऊपर 14,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। इस मिसाल को पेश करते हुए प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि भाई, सारे लोग मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, और प्रशासन को आदेश दिया कि जो भी लोग बिना मास्क के बाहर दिखे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी अब आप लोगों को मास्क लगाकर घर से बाहर निकलना है, सेफ्टी है, आप लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। जुर्माने से बचने के लिए आप ना निकलें, बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए मास्क लगाकर आप लोग घर से बाहर निकलें, इसमें आपका ही फायदा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब ने एक और ऐलान किया। आपने देखा होगा लॉकडाउन में जो 3 महीने गुजरे हैं, इन 3 महीनों में राशन फ्री दिया गया है, चावल आपको मिले हैं 5-5 किलो एक बंदे के लिए। तो प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को अब बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया है, यानी कि नवंबर तक आपको ये 5-5 किलो चावल और मिलेंगे। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आपको 20 किलो चावल मिलेंगे, यानी कि एक बंदे को 5 किलो चावल, जैसा कि अभी मिल रहा था कोटे पर, मिलेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 किलो चने भी दिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब के भाषण के बाद बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव आ रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी साहब ने इस योजना को आगे बढ़ा दिया है, ताकि जो है उनके वोटर अंधभक्त जो हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अंधभक्तों को ये लगे कि प्रधानमंत्री साहब बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी की पार्टी को जिताया जाए। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर और बहुत सारी जगह ऐसी बातें हो रही हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये जो फ्री राशन वाली सेवा है, इस सेवा को जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि 1 साल तक अब फ्री राशन पश्चिम बंगाल में दिया जाएगा। जून 2021 तक इस सुविधा को बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री जी और ममता मैडम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप फ्री राशन तो दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा कुछ और भी कर दें। कम से कम ये जो लाइट का बिल है, बिजली का बिल, इसको ही माफ करवा दें तो गरीबों का बहुत भला हो जाएगा। लॉकडाउन में बहुत सारा बिल लोगों के ऊपर ड्यू हो गया है, लोग काम धंधे पर नहीं जा रहे थे, लोगों का बिल ड्यू हो गया है, लोग बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आप थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें, कुछ ऐसे बिल हैं जिनको आप माफ करवा दें, इससे गरीबों का बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। इन सारी खबरों पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय